आने वाले 19 मई के होने वाले लोकसभा चुनावों में अधिक से अधिक लोग मत प्रयोग करने मतदान केंद्र पहुंचे, इसके लिए देश की सबसे बड़ी भूमिगत परियोजना नाथपा झाकड़ी के प्रबंधक भी सचेत हो गए हैं। SJVN के 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी पवार स्टेशन के महाप्रबंधक क्रामिक एवं मानव संसाधन PS नेगी ने बताया कि परियोजना के हजारों कर्मी अधिक से अधिक मतदान में हिस्सा लें, इसके लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि परियोजना के अलावा अपरियोजना क्षेत्र के लोगों को भी मत के महत्व का बारीकी से ज्ञान दिया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि उनका मत मजबूत एवं स्वच्छ लोकतंत्र की स्थापना में कितना महत्व रखता है। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो वोट अपने पसंदीदा गतिशील व प्रगतिशील को मत दे, ताकि ऐसा व्यक्ति देश व समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभा सके। उन्होंने नए मतदाताओं से भी इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि SJVN ये भी प्रयास करेगा कि कोई विकलांग व बुजुर्ग व्यक्ति मतदान केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ है तो उसे लाने ले जाने का दायित्व निभाएगी। अभी परियोजना का क्या तो महत्व, इसमें योगदान तो रहेगा। SJVN भी पूरा हमारा यही प्रयास कर रहा है कि लोग जो हैं, सरकार किसकी आनी है ये लोगों पे डिपेंड करता है, लेकिन लोग अपना वोट तो डालें ताकि वो सही आदमी का सही चयन करें, एक कम्युनिटी का भला हो, देश का भला हो, प्रदेश का भला हो, और अल्टीमेटली नेशन का भला तभी हो सकता है यदि हम सही आदमियों को आगे ला सकते हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र के ठियोग में आयोजित कांग्रेस रैली में स्टार प्रचारक व उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि फौजी अफसर शांडिल के लिए वोट करें। आज यहां एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक सम्मान के लिए कांग्रेस का सिपाही खड़ा है। उन्होंने कहा कि PM के बारे में मैं क्या कहूं? पूछना चाहता हूं कि हमारी तरफ कमीशन ऑफिसर है, 44 फौजी शहीद हुए, क्या अभी तक एक भी अपराधी नहीं पकड़ा गया? कैसे 350 RDX सीमा के अंदर आया? श्रीलंका जैसे छोटे मुल्क ने 5 दिन में अपराधी पकड़ लिए। मोदी सेना उन भक्तों की सेना है जो केवल शेख चिल्ली फेंकते हैं। 1995 में पहली बार भारत में ईमेल आया, और मोदी ऐसे हैं जिन्होंने 1986 में अपनी तस्वीर डिजिटल में खींची और ईमेल किया। गडकरी कह रहे हैं कि 126 राफेल की जरूरत थी, देश को 36 इसलिए खरीदे कि पैसों का क्रंच था। उन्होंने कहा कि 82,000 करोड़ कर्ज बढ़ा दिया जो कांग्रेस में 52,000 करोड़ था, 268 टन सोना गिरवी रखा है। मोदी व भक्त तो ये कह सकते हैं कि देश तो आजाद ही नहीं हुआ, 2014 में देश आजाद हुआ। उन्होंने रैली में मौजूद बागवानों से पूछा कि भाजपा शहीदों को अपमानित करने का वोट मांगते हैं, शांडिल ईमानदार व्यक्तित्व हैं, यहाँ से जीत कर जाएंगे तो विद्या स्टॉक्स व कुलदीप सिंह राठौर का क्षेत्र उभर कर आएगा। उन्होंने कहा कि हाथ के पंजे पर बटन दबाकर कांग्रेस को जीत दिलाएं। मोदी जहां भी जाते हैं वहां के लोगों को अपना बना लेते हैं, और वहां के लोग भी उन्हें अपना समझ लेते हैं। ऐसा ही कुछ सोलन में भी देखने को मिला। नरेंद्र मोदी ने सोलन के मशरूम को याद रखा, और उन्होंने ये भी बताया कि काफी वर्ष पहले जब वे हिमाचल में भाजपा के प्रभारी रहे तब वे अक्सर सोलन आया करते थे और सोलन के माल रोड पर टहला करते थे, और टहलते हुए अपने मित्रों और कार्यकर्ताओं के साथ वे माल रोड पर स्थित मनोहर लाल की दुकान से अक्सर चने खाया करते थे। इतने वर्षों बाद न केवल दुकान को याद रखना बल्कि दुकान के मालिक को भी पहचानना, ये बात सोलन के लोगों के दिलों को छू गई। मनोहर लाल तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे ने जब ये बात सुनी तो उनकी भी छाती गर्व से चौड़ी हो गई, और उन्होंने कहा कि आज वे बेहद खुश हैं कि एक साधारण व्यक्ति जो आज देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन उन्होंने कई वर्षों बाद भी उनकी दुकान को याद रखा, ये एक
बहुत बड़ी बात है। ये अच्छे इंसान की पहचान है, इसलिए आज उन्हें उन पर बहुत गर्व है।